हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल शबीन ब्लॉग्स। सो फ्रेंड्स, हम हमारे न्यू ब्लॉग के साथ हाजिर हैं जो है धुले ब्लॉग। और ये ब्लॉग जो है ये लास्ट ब्लॉग है यहाँ का। सो आज के दिन जो है भाभी यहाँ बनाने जा रही हैं अचार लींबू और हरी मिर्च का। एक्चुअली यहाँ बहुत लींबू पड़े हुए थे तो उनकी बहन कह रही थी बहुत लींबू है। सो भाभी ने कहा कि मैं अचार बना देती हूँ और काफ़ी टेस्टी भी लगता है। और ये वाला जो अचार है ना, मेरी खाला भी बहुत अच्छा बनाती है, वो जब भी बनाती है तो हमारे घर ज़रूर भिजवाती है। सो भाभी जो है यहाँ लींबू का अचार बना रही है। पहले तो मैंने सोचा कि मैं इसकी रेसिपी भी डालूं, बट फिर मुझे बहुत बोर हो रहा था पूरा वीडियो लेने और पूरा फिर बताने के लिए। सो मैंने सिर्फ खाली यूँ ही रैंडमली वीडियोज़ ले ली ताकि मैं आप लोगों से शेयर कर सकूँ। और यहाँ जो है अब इनका अचार प्रिपेयर्ड हो चुका है और ये काफ़ी यमी दिख रहा है। मुझे देखते ही मुँह में पानी आ रहा है और काफ़ी अच्छा लगता भी है ये अचार। और भाभी ने बहुत टेस्टी बनाया है, लेकिन अभी इसे तो कुछ दिनों बाद ही खा सकते हैं क्योंकि इसको सजाना पड़ता है, ऐसा बोलते हैं। सो आज हमारा प्लान है मार्केट जाने का। यहाँ का फेमस मार्केट है सरोजनी मार्केट, जिसे मिनी सूरत भी कहा जाता है। सो हम वहाँ आए हैं और यहीं वो जो मार्केट लगती है और बहुत बड़ी मार्केट है, ये लोग बता रहे हैं। मैं तो फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मैं धुले ही फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। सो ये मार्केट भी फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ और मैंने सोचा कि कुछ पसंद आ जाएगा तो मैं भी यहाँ से शॉपिंग कर लूँगी। और वैसे भी शॉपिंग करना तो हर किसी को आई थिंक मोस्ट ऑफ पसंद होता है। सो हम यहाँ आ गए हैं सरोजनी मार्केट, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया इसे मिनी सूरत कहा जाता है। अदर कंट्रीज़ वालों को तो नहीं पता होगा सूरत के बारे में, बट हमारे जो मुंबई वाले हैं या गुजरात से हैं वो लोगों को सूरत पता होगा। और सूरत में काफ़ी अच्छी मार्केट लगती है और होलसेल के प्राइस से रीज़नेबल प्राइस में बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस मिलते हैं वहाँ पर से। वहाँ से एक्सपोर्ट्स भी होते हैं सूरत से, तो इसे मिनी सूरत कहा जाता है धुलिया का, भाभी की बहन ने मुझे बताया। सो देखते हैं मुझे यहाँ से कुछ पसंद आता है कि नहीं आता है। सो फ्रेंड्स, आप लोग एंड तक हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। लेट्स सी क्या लेती हूँ मैं। फाइनली हम लोग पूरी मार्केट घूम चुके हैं और हम लोगों को खास इतना कुछ पसंद आया नहीं है यहाँ पर। मैंने सिर्फ अपने लिए एक जॉर्जेट मटेरियल लिया है नॉर्मल सा, और भाभी ने अपने लिए दो डेली वेयर के लिए सूट लिए हैं। और तो कुछ हम लोगों को पसंद आया नहीं, हम लोग सिर्फ विंडो शॉपिंग ही कर रहे थे। और अब एक लास्ट शॉप है जहाँ हम एंटर होंगे, जो कि ये है वो शॉप। और यहाँ पर भी आई नो कि हम लोग सिर्फ विंडो शॉपिंग ही करने वाले हैं और बहुत थक चुकी हूँ मैं। और यहाँ पता है मेरे साथ एक ट्रेजेडी होते होते भी बच गई मैं अल्हम्दुलिल्लाह। पता है मेरे पैरों पर रिक्शा का जो टायर है वो पूरा चढ़ गया था, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे बहुत बचा लिए। दर्द तो हो रहा है वहाँ पर, लेकिन एक खरोज भी नहीं आया, ज़रा सा निशान भी नहीं आया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने आज मुझे बहुत बचा लिया। फ्रेंड्स, आप सब लोगों की दुआ है, मेरे अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है कि मैं बच गई। और मुझे अभी भी सोच रही हूँ तो इतना मतलब अचानक से यू नो जब वो चढ़ गया ना पैर में तो एकदम मैं डर गई अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ अल्लाह का शुक्र है। थोड़ा दर्द है मुझे पैरों पर, लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कुछ हुआ नहीं, अल्लाह ताला ने बहुत बचा लिए।
खैर फ्रेंड्स, तो यहाँ जो है हम लोग यहाँ पर सिर्फ विंडो शॉपिंग ही कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही था। और इतने ड्रेसेस हम लोगों ने यहाँ पर निकलवाए हैं, इतने ड्रेसेस। और ऐसे होता है ना, जब तक काफ़ी ड्रेसेस ना निकलवा लें तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि ऐसा होता है कि कहीं ये ना मिस हो जाए, कहीं वो ना मिस हो जाए। और जब तक सारा निकलवा लो तो फिर सेटिस्फाइड हो जाओ कि हाँ, अब इसमें से एक आध ड्रेस पसंद कर लें, बट हमें कुछ भी नहीं पसंद आया। और अब हम जा रहे हैं घर पर, और काफ़ी मज़ा आया और ट्रेजेडी भी होते होते बच गई, अल्हम्दुलिल्लाह। सो फ्रेंड्स, ये जो है भाभी के पेरेंट्स ने मुझे गिफ्ट किया है ड्रेस, जो कि बहुत ही प्यारा ड्रेस है, बहुत ही प्यारा है। इन्होंने मुझे यहाँ बहुत प्यार दिया और इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। ड्रेस भी बहुत अच्छा है, यहाँ से मैं बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज लेकर जाऊँगी अपने साथ। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी दूल्हे की जर्नी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ, और आई होप इंशाल्लाह आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। मैंने तो यहाँ बहुत इन्जॉय किया, मुझे बहुत मज़ा आया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं फिर से ज़रूर यहाँ आऊँगी और आना ज़रूर चाहूँगी यहाँ पर। सो अब है डिनर टाइम और भाभी ने बनाया है बिरयानी, और बिरयानी बहुत तीखी हो गई थी, बहुत ज़्यादा। और सब लोग भाभी का बहुत मजाक भी उड़ा रहे थे कि इतनी तीखी बिरयानी बनी है, लेकिन टेस्टी तो बहुत थी, थोड़ा तीखा हो गया था। और बिरयानी तो मुझे बहुत पसंद है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा धुले का ब्लॉग, जो कि लास्ट ब्लॉग था धुले का। और अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह बॉम्बे में। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड योर सपोर्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।